तो दोस्तों ये हम हैं, ये हमारा बेसन है और ये हमारे पकोड़े बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हो आप। नमस्कार दोस्तों, तो राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों मुझे डिमांड आ रही थी, राजा भैया अकेले अकेले आप पत्ता गोभी के पकोड़े बना के पेल गए, हमारे लिए वीडियो तक नहीं बनाया। तो मैं यार दिल पे लग गई यार, भाई लोगों को इतना दुख हुआ, मैं बना के खा गया और मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो लेके आ के हूँ। आज हम दोबारा पकौड़े बनाने वाले हैं, पत्ता गोभी के तो नहीं है मित्रों, क्योंकि पत्ता गोभी ख़त्म हो गई। मैंने चाइनीज़ बनाने के लिए, शेज़वान राइस बनाने के लिए ख़रीदी थी और मैंने सोच लिया था मैं इसको पकौड़े बना के निपटा दूँगा। अकेले रहता हूँ मैं तो मेरे को ऐसी प्लानिंग करके चलना पड़ता है यार, ये ज़्यादा ले लिया तो इसको ऐसे निपटा दूंगा, है ना, सोच समझ के चलना पड़ता है। तो आज हम लोग दोस्तों प्याज के पकौड़े बनाने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त। मैंने कुछ रेसिपीज़ रेफ़र की हैं YouTube से, तो मैं उनको भी फॉलो करने वाला हूँ और कुछ एक आध चीज़ जैसे गरम मसाला है वो अपने मन से भी डालने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी हम प्याज के पकौड़े बनाएंगे, बहुत टेस्टी। अभी हम लोग किचन की तरफ जा रहे हैं, अभी अराउंड 6:15 बजे हैं। बंद करो इसको। और हम लोग किचन में आ गए हैं। ठीक है, ये देख सकते हो, ये मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये जो है बेसन है अपना। ओके, यहाँ पे गरम मसाला है, तो ऐसा कुछ कुछ सामान है। अभी मुझे पहले प्याज काटनी पड़ेगी, प्याज काटने के बाद फिर मैं जो है आगे का स्टेप पे जाऊंगा, तो मैं आप लोगों को फिर दिखाऊंगा। पहले मुझे प्याज चॉप करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये प्याज हैं दो, बहुत छोटी तो नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है साइज़ में, लेकिन हम इसको प्रॉपरली जो है काट लेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हो हमारी प्याज जो है वो कट गई है, आपको ऐसे चॉप करना है प्याज को। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गई एकदम। अभी इसमें हमें मसाला डालना है, तो धीरे धीरे हम मसाला डालेंगे इसमें। तो अब हम इसमें मसाला डालेंगे दोस्तों। ये जो रेसिपी है ये मैंने ऑनलाइन देखी है और दो रेसिपी देखी है, उन्होंने यही बताया है कि ये जो पकोड़े होते हैं प्याज के, इसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है बेसन में। ये हम थोड़ा सा ये डाल दिया है, हल्दी हल्की सी जैसे उन लोगों ने डाली थी, मैं वही सब स्टेप्स फॉलो करता हूँ। अभी हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, गरम मसाला उन्होंने डालने का नहीं कहा लेकिन मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ, पिछली बार भी डाला था, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और पत्ता गोभी के पकोड़े में तो कंपलसरी है, आपको एकदम ऐसा टेस्ट आएगा ना कि मज़ा आ जाएगा। ये देखो थोड़ा सा हमने गरम मसाला भी डाल दिया। ओके, थोड़ा सा और डाल दो, एकदम बढ़िया हो गया। ओके, एवरेस्ट का गरम मसाला है ये। अभी हम इसमें एवरेस्ट का तीखा लाल डालेंगे, लाल मिर्च, ये देख सकते हो आप, ये थोड़ी सी लाल मिर्च हमने इसमें डाल दी। मैं एक रेसिपी देखा था, उसने ये कहा था कि नमक डालने के पहले इसको थोड़ा सा मिला लेना और उसके बाद फिर इसमें नमक डालना। क्या होता है ना, एक रेसिपी में ये बताया गया था कि आप जब इसमें नमक डालोगे तो प्याज अपने आप पानी छोड़ने लग जाए, तो पहले ये मसाला मिक्स कर लो। ओके, और फिर उसमें नमक डालो, तो थोड़ा सा अभी इसमें मैं नमक डाल दूंगा, ये देख सकते हो नमक डाल दिया, थोड़ा सा और डाल देते हैं, है ना, नहीं तो बिल्कुल बेस्वाद हो जाएंगे। ये डाल दिया और मिक्स कर दो इसको थोड़ा सा। तो भाइयों बहनों, अब ये क्वेश्चन आता है कि इसमें बेसन कितना डालना है। ये तो रेडी हो गया, अब बेसन हमें जो यहाँ रखा है ये, ओके, बेसन हमें इसमें ज़रूरत के अनुसार डालना है। ओके, अभी हम एक दो चम्मच डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर ज़रूरत होगी तो और डालेंगे। ऐसे ही हमको डालना है इसमें बेसन, ये देख सकते हो आप, ये मैंने एक चम्मच यहाँ डाला, एक और चम्मच डाल दिया। ठीक है, अभी हम पहले इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। ओके, ये देखो बेसन वो उड़ी गया एकदम से, ये देखो
पानी छोड़ने लगी प्याज, इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर अगर ऐसा होगा कि ये भाई सफिशेंट नहीं है बेसन तो हम और डालेंगे। इसमें क्या होना चाहिए ना दोस्तों, थोड़ी सी कोटिंग हो जानी चाहिए प्याज के ऊपर बेसन की, और वो थोड़ा चिपक जाना चाहिए एकदम, ऐसा ऐसा नहीं हो कि सेपरेट हो रहा है। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा और डालेंगे, चिपक रही है हाथ में तो चिपक ही रही है प्याज। इसमें प्रॉब्लम ये है ना, ऊपर लाइट है और ये हाथ आ रहा है तो वो आ रहा है शेडो। ये एक चम्मच और आ गया है यहाँ पे, एक चम्मच हम और डालेंगे। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे दो चम्मच बेसन और हो गया। अभी इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने का अपने को। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो रेसिपीज़ हैं ये सब मैंने यूट्यूब पे देखी हैं। मैं जब से ब्राज़ील आया हूँ तब से स्टार्टिंग से यूट्यूब पे देख रहा हूँ, यूट्यूब ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरी वाट लग जाती बोले तो भीड़ू लोग। यूट्यूब है तो अपन जो है वो शेफ बन गया है भीड़ू लोग यूट्यूब यूनिवर्सिटी से। ओके, ये देखो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा ना पानी डालना पड़ेगा क्योंकि ये सूखा सूखा लग रहा है। नो वरीज, थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। जो वीडियोस में वो लोग जो बनाते हैं, कंडीशन थोड़ी थोड़ी अलग रहती है सबकी, किसी ने नींबू डाला था, कुछ डाला था। हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे पानी लेके डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है भाइयों और बहनों कि ये ढंग से वो नहीं हुआ। ठीक है, एकदम थोड़ा सा हमने डाला है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैंने बेसन और डाला है, वो थोड़ा हमने पानी डाल दिया था ना तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था मामला। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने थोड़ा सा बेसन और डाला है और इसको मिक्स कर रहे हैं। ये देखा, ये हमने इसका ये ऐसा बॉल जैसा बना लो इसको मिक्स करके, है ना, बॉल नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन इसको आपको ऐसा मिक्स करके उसका वो बना देना। ओके, ये होने के बाद ये हो गया, अभी हम इसको यहाँ डालेंगे। ओके, ये देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे हमने एक और डाल दिया। तो दोस्तों मैं रिमेनिंग उसको करता हूँ फटाफट, और मुझे वो जो है पेपर भी लगाना पड़ेगा नहीं तो तेल कैसे निकलेगा। मैं फटाफट करता हूँ और दोबारा आता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हो मैंने पकोड़ों को पलट दिया है और एकदम झकास लग रहे हैं बोले तो भाई लोग, एकदम कुरकुरे और मस्त दिख रहे हैं पकौड़े। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पेपर भी कर दिया है, अभी मैं फटाफट इनको बनाऊँगा फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हम हैं, ये हमारा बेसन है और ये हमारे पकोड़े बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे स्मोकिंग हॉट कुरकुरे प्याज के पकोड़े ऑलरेडी बन चुके हैं, वो मैंने निकाल दिए हैं और यहाँ पे ऑल बन रहे हैं। ये बनने के बाद मैं टेस्ट करके बताऊँगा कैसा है। अब ये मत कहना राजा भैया आप बना तो दिया वीडियो, पकोड़े भी भेज दो। तो दोस्तों हमारे पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और यहाँ हैं हमारे पकोड़े, ये देख सकते हो आप, बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहे हैं, बिल्कुल परफेक्टली बने हैं। ओके, हम इसे खाएंगे और टेस्ट करेंगे। तो अभी हम एक पकोड़ा उठाएंगे और आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। ये देख सकते हो आप, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ओके, गरम मसाला डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना तो कोई बात नहीं, गरम मसाले से टेस्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो ऐसे आप बना सकते हो, पत्ता गोभी के पकौड़े बनाने हैं तो सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर है, जो जो चीज़ें डाली। ओके,
पत्ता गोभी के पकोड़े में आपको थोड़ा सा पानी तो डालना ही पड़ेगा, और साथ में गरम मसाला उसमें कंपलसरी है ताकि अच्छा टेस्ट आए। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है भाइयों बहनों, मज़ा आ गया। तो दोस्तों ब्राज़ील के तो पकोड़े खा लिए, अब इंडिया के पकोड़े खाना बाकी है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पकोड़े कैसे लगे, बहुत टेस्टी हैं, दिखने में बहुत अच्छे हैं, खाने में भी बहुत अच्छे, मैंने खा के बताया आपको, टेस्ट बहुत अच्छा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।